मेरा नाम धीरज है और आज हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो IDSE सर्विस मिलती है उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारे साथ अंकित गोयल जी हैं जो कि इसी सर्विस में कार्यरत हैं। तो चलिए इनसे अभी हम क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं। तो सर, सबसे पहले सर, आपने आपकी जो पोस्ट है और आपने इस सर्विस को कब ज्वाइन किया इसके बारे में बताइए। मेरी जो अभी यहाँ करंट पोस्ट है वो AEE है, विच इज़ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मैंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया था, तो जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से बीटेक करते हैं उनको AEE&M मिलता है, विच इज़ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो अभी मेरी ये पोस्ट है और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था मुंबई जोन में 1 नवंबर 2017। अच्छा, मतलब आपको ज्वाइन किया है अभी 8-7-8 महीने। हाँ, 8 to 9 months। यस सर, इस सर्विस में मतलब कौन कौन सी स्ट्रीम्स ज्वाइन कर सकते हैं? इस IDSE में बेसिकली इसका फुल फॉर्म है इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। तो इसमें तीन स्ट्रीम्स होती हैं वो एलिजिबल है ज्वाइन करने के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, विच इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे स्कोप नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल का कोई स्कोप यहाँ पे नहीं है, फोर इंजीनियरिंग के लिए। सर, हमने वो भी देखा है जैसे कि कॉप्स ऑफ EME होता है, फिर NES होता है कुछ, और ये जैसे IDSE है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, EME जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स होता है उसका फुल फॉर्म इन कोर ऑफ इंजीनियर्स। तो वो बेसिकली उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो वर्कशॉप्स का होता है, और व्हीकल जो आर्मी के डिफेंस के व्हीकल्स एंड जो उनका प्रोक्योरमेंट मेंटेनेंस वगैरह का उनका काम रहता है। MES होता है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें दो कैडर्स होते हैं जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आ सकते हैं, उसमें एक IDSE होता है एंड द सेकेंड वन इज़ QSNC। तो IDSE इज इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड सेकेंड इज़ QSNC विच इज़ क्वांटिटी सर्वे एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज़ फॉर सिविल इंजीनियरिंग ओनली। तो मतलब QSNC एंड IDSE ये दोनों ही मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंडर आता है? जी। तो सर, ये जो MES है इसके अंडर जैसे अभी IDSE हो गया, QSNC हो गया, तो इसमें और भी तरीके हैं क्या, मतलब इस लेवल पे एंटर होने के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में? हाँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये बेसिकली एक मिक्स सर्विस है, मिक्स कैडर। तो इसमें क्या है कि आप ऑफिसर्स हैं वो UPSC के थ्रू आते हैं एक तो, और एक दूसरा होता है आर्मी पर्सनल्स भी यहाँ पे आते हैं जो कि डेपुटेशन बेसिस पे आते हैं बेसिकली उनके रेजिमेंट से, वो कि 3 to 4 years का डेपुटेशन रहता है 1 या 2 tenures के लिए अपने रेजिमेंट से यहाँ पे आते हैं आर्मी पर्सनल्स। और जो जैसे मैंने बताया UPSC के थ्रू जो ऑफिसर्स आते हैं उसमें दो कैडर जो जैसे आप पहले बता चुके हैं IDSE एंड QSNC, इसके अलावा दो कैडर और होते हैं यहाँ पे हमारे, वो UPSC के अलग एग्ज़ाम से होते हैं। वो की होता है एक आर्किटेक्चर कैडर जो कि आर्किटेक्चर्स के लिए होता है, आर्किटेक्ट्स के लिए होता है, एंड तीसरा मतलब चौथा कैडर जो होता है वो एक BSO कैडर होता है जो कि बैरक स्टोर ऑफिसर्स होता है, जो कि ग्रुप डी ऑफिसर्स होते थे पहले, बट अभी कैडर रिव्यू में उनको ग्रुप ए का स्टेटस दिया गया है। तो ये चार कैडर्स हमारे सिविलियन ऑफिसर्स के होते हैं। इसके अलावा जो आपको बताया कि आर्मी जो पर्सनल्स हैं वो भी आ सकते हैं IMES में, बट नेवी पर्सनल्स और एयरफोर्स पर्सनल्स है वो हमारे मतलब MES में नहीं, मतलब सर्विस के लिए नहीं आ सकते हैं, वो यूजर्स होते हैं हमारे। सर, ये जो भी आप बोल रहे हैं डिप्यूटेशन बेसिस पे आते हैं कुछ पीरियड के लिए जैसे 3 से 4 साल आप बोल रहे थे, तो ये इंजीनियरिंग रिलेटेड इनका मतलब कुछ बैकग्राउंड होता है या कोई भी आ जाता है? हाँ नहीं, जैसे कि आपने आर्मी में अगर थोड़ा जाएँ तो वहाँ पर कई तरीके के कोर्स होते हैं, तो जो हमारे MES में जो पर्सनल्स आ सकते हैं वो कोर ऑफ इंजीनियर्स में होना चाहिए। तो जो कोर ऑफ इंजीनियर्स के जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो हमारे MES में आ सकते हैं डेपुटेशन पे, इधर वो सिविल से हो या मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, उनका डिग्री जो भी होगा तो वो आ सकते हैं। सर, ये सर्विस ज्वाइन करने से पहले आपने और कोई जॉब में मतलब इससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है क्या? हाँ, इस सर्विस को ज्वाइन करने से पहले मैंने 2 सर्विसेज और की हुई हैं। एक मैंने जो कि था इंडियन पेटेंट ऑफिस में जो कि दिल्ली में था, वहाँ पे मैंने 1.5 years काम किया था, एंड इसके अलावा आफ्टर कॉलेज मैंने जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड भी 1 साल के लिए वहाँ पे भी एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी काम किया था। सर, आपका ये जो जैसे सर्विस आपने अभी
कितना आपको 7 से 8 महीना हो गया सर्विस में जी, आपका जो ट्रेनिंग होता है वो कहाँ पे होता है, कितने पीरियड के लिए होता है? देखिए अभी ट्रेनिंग का हमारा होता है, पहले जो प्रीवियस बैचेस तक होता था 2015 बैचेस बैच तक, वो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में 10 वीक्स का एक वायो BW करके कोर्स होता है, यंग ऑफिसर्स बेसिक वर्क्स। बट आप 2016 बैच से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अप्रूवल किया है नया कि 40 वीक्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी यंग ऑफिसर्स को जो भी ज्वाइन करेंगे, और उसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है, विच इज़ फेज 1, 2 एंड 3, जो कि 10 वीक्स पुणे में एंड उसके अलावा 10 वीक्स दिल्ली में एंड 20 वीक्स इन हैदराबाद। और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में भी 7 वीक्स का है, इसके बाद पुणे में रेलवेज का एक है IRSE, उसमें भी 1 वीक का अटैचमेंट है, इसके बाद हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 14 वीक्स का है अटैचमेंट, इसके अलावा आर्मी का अटैचमेंट है जो कि आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स के अटैचमेंट्स भी हैं 2 वीक्स के लिए। तो इस प्रकार से अभी वो जस्ट अभी 16 बैच से पूना स्टार्ट होगा, तो मैं अभी मतलब ज्वाइन नहीं किया मैंने ट्रेनिंग के लिए, तो बट अभी वो जस्ट अप्रूवल 16 बैच से स्टार्ट हुआ है। मतलब आपके पास चॉइस होता है कि आप कब ट्रेनिंग ज्वाइन करें? नहीं है, कुछ ऐसा प्रोसीजर है? नहीं है, हमारा चॉइस नहीं होता है उसमें। बेसिकली जो ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट होता है वो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के अंडर में आता है, तो वो लोग बैच डिसाइड करते हैं, तो वो अराउंड 40 पर्सन्स का एक बैच होता है, तो वो सीनियरिटी या फिर मतलब उनका जो क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से वो मतलब अलाउड करते हैं कि इस टाइम पे आपको जाना है। सर अभी जो जैसे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के टाइम पर आपका सैलरी जो है वो कितना होता है, और ट्रेनिंग मतलब या फिर ट्रेनिंग जब नहीं हो रहा होता है तब आपका सैलरी कितना होता है, एक आइडिया सैलरी का कितना होता है इस सर्विस सैलरी? यस सर, आप ज्वाइन करते हैं तो एज ए ग्रुप ऑफिसर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका बेसिक होता है वो 56,100 होता है बेसिक पे। इसमें आपको सिटीज़ के हिसाब से, अगर आप टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में हैं तो उसके हिसाब से आपको HRA वो है मिलता है, इसके अलावा TA मिलता है, तो अराउंड जैसे मुंबई में मैं अभी पोस्टेड हूँ तो मेरे को HRA मिला के और अदर TA वगैरह सब मिला के जो ग्रॉस सैलरी होता है वो अराउंड 82 के आसपास होता है, और इसमें इनकम टैक्स एंड अदर जैसे CGHS फैसिलिटीज़ एंड कुछ कंट्रीब्यूशन जो होता है CGIES करके होता है इंश्योरेंस का, तो वो सब अगर आप माइनस कर देते हैं तो मतलब इन हैंड सैलरी है वो अराउंड 72,000 तक आ जाता है। तो मतलब सिटी के हिसाब से ये जो सैलरी है वो वैरी होता है? हाँ ठीक, जैसे कि आप HRA का जो फैक्टर होता है वो सिटी पर डिपेंड करता है, अगर आप क्लास एक्स सिटीज़ में हैं तो आपको 20% HRA मिलता है, क्लास टू में आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट इट इज़ 15% एंड Tier 3 सिटीज़ में वो 10% होता है बेसिक का। ठीक है, मतलब एकदम लोएस्ट सैलरी कितना होगा? लोएस्ट सैलरी अराउंड HRA मिला के और अगर उसको इनकम टैक्स का फैक्टर अगर हम उसमें नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करें तो आई थिंक 62 तक मिल जाना चाहिए Tier 3 सिटीज़ में भी। एज अ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, मतलब आपका क्या यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या रहता है? हमारा एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में बेसिकली दो टाइप का सर्विसेज होता है, मतलब IDSE में एक एग्जीक्यूशन का सर्विस होता है एंड एक स्टाफ का होता है। तो अभी मैं हेडक्वार्टर में हूँ, चीफ इंजीनियर जोन में हूँ, तो जोनल एक हेडक्वार्टर होता है उसमें बेसिकली स्टाफ पोस्टिंग रहता है, तो जो स्टाफ पोस्टिंग होती है उसमें बेसिकली हम लोग प्लान करते हैं प्रोजेक्ट्स का जो कि हमारे यूज़र्स के लिए, मतलब यूज़र्स को जो भी चाहिए उसका हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे प्लान करना है, और इलेक्ट्रिकल का प्लानिंग है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल का प्लानिंग देखता हूँ, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हमको स्क्रूटनी करना और ये सही है या गलत है ये मतलब इतना चाहिए नहीं चाहिए ये सब हमारा काम रहता है अभी स्टाफ में। एंड सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि जैसे एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग होता है तो एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग में जैसे कोई वर्क हो गया या कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी मेंटेनेंस का जो वर्क आता है सैंक्शन होकर ऊपर मतलब हेडक्वार्टर से उसको हम एज ए मतलब साइट पे एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसका सारा काम रहता है एग्जीक्यूशन का, तो वो हमारा लोअर फॉर्मेशंस में होता है जो कि जिनको गैरिसन इंजीनियर ऑफिसेज और कमांडर वर्क इंजीनियर ऑफिसेज बोलते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज होते हैं हमारे। सर
सर मतलब इसी सर्विस में जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में हमने सुना है कि गैरिसन इंजीनियर करके कुछ होता है yes. मतलब आपका और ये गैरिसन इंजीनियरिंग की क्या रिलेशन है? आप नहीं आता है आपका ही प्रमोशन हो कि गैरिसन इंजीनियर बनते हैं, कैसा है? बेसिकली एक ये नॉमेनक्लेचर है और जैसे कि अभी मैं EEE हूँ, पर मैं स्टाफ मतलब जोन में हूँ, इसलिए मैं EEE मेरा नॉमेनक्लेचर EEE है। बट अगर मैं इसको एग्जीबिशन में, अगर मैं नीचे लोअर फॉर्मेशन में अगर जाता हूँ एग्जीबिशन में, तो मेरी पोस्ट का नाम AGE हो जाएगा, विच इज़ असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर, है ना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो गैरिसन इंजीनियर होता है, मतलब नेक्स्ट ऑफिस जो होता है वो गैरिसन इंजीनियर ऑफिस होता है। इसके बाद इस तरीके से एक और है CWE ऑफिस, विच इज़ कमांडर वर्क इंजीनियर ऑफिस, उसको CWE ऑफिस बोलते हैं। इसके बाद हमारा चीफ ऑफिस आता है, और इसके बाद चीफ से के बाद कमांड ऑफिस आता है, और उसके बाद हमारा दिल्ली में हेडक्वार्टर है ENC ब्रांच। मतलब ये जो भी जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में जो गैरिसन इंजीनियर ये सब बनते हैं, ये IDSE से ही बनते हैं या QSNC से भी बनते हैं? नहीं, स्पेसिफिकली आप अगर सिविलियन डिफेंस सिविलियंस या जो IES के थ्रू आते हैं उनके बारे में ही अगर पूछना चाहते हैं, तो जो गैरिसन इंजीनियर वाला जो ये पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, तो वो केवल IDSE कैडर को ही मिल सकता है, QSNC वालों को मतलब इसमें नहीं करवाते हैं हम लोग। सर आपकी सर्विस में जैसे ये अभी लोएस्ट पोजीशन अभी जैसे इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू AE मिल गया, तो ऐसे इसके ऊपर क्या प्रमोशन है, मतलब प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन आप प्लीज़ बताइए। हाँ, पहले आप ज्वाइन करते हैं तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, इसके बाद इसमें 2 ईयर्स का प्रोबेशन रहता है जो कि हर सर्विस में होता है। वो क्लियरेंस करने के बाद आपको ट्रेनिंग, मतलब उससे इन बिटवीन ट्रेनिंग भी हो जाता है आपका, तो अराउंड जब से जिस टाइम से आप ज्वाइन करते हैं, जिस आपका बैच ज्वाइन करता है उसके अराउंड 4 to 5 ईयर्स में, 4 ईयर्स अराउंड DPC करके होता है, एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी वो डिसाइड करती है। उसके बाद मतलब 4 to 5 ईयर्स में आपका फर्स्ट प्रमोशन मिल जाता है, विच इज़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इसके बाद टाइम स्केल मतलब प्रमोशन है सेकेंड भी, वो भी 5 ईयर्स के अराउंड में आपका दूसरा प्रमोशन आ जाता है, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही होता है, बट सिलेक्शन ग्रेड मतलब उसका ग्रेड पे वो बढ़ जाता है, तो ऐसा होता है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के सिलेक्शन ग्रेड के बाद आपको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मिलता है, वो मतलब टाइम स्केल नहीं होता है, वो वैकेंसीज पे थोड़ा डिपेंड करता है, बट ईजीली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें भी, जिस हिसाब से अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं मतलब IDSE कैडर में, थोड़ा मतलब फ्रिक्शन है बट ईजीली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब इस हिसाब से ट्रेंड्स जितना चल रहा है। इसके बाद आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहता है, और इसके बाद आप चीफ इंजीनियर मिल जाता है, थोड़ा मतलब वो भी पूरा वैकेंसीज पे ही डिपेंड करता है, और आर्मी का जो क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि वहाँ से भी लोग मतलब ब्रिगेडियर्स वगैरह का आते हैं मतलब डेपुटेशन पे, तो मतलब वो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास 3 HAG एंड HAG प्लस एंड उसका भी 3 वैकेंसीज हैं, मतलब 3 पोस्ट हैं, तो वो होता है जॉइंट डायरेक्टर जनरल, एक होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एंड तीसरा होता है DG पर्स, विच इज़ डायरेक्टर जनरल पर्स। तो जो हाईएस्ट एक IDSE ऑफिसर अचीव कर सकता है वो DG पर्स कर सकता है। जो सर इस सर्विस में मतलब फैमिली वर्क बैलेंस कैसे मतलब मेंटेन करना सिंपल है, कैसा है आपका मतलब वर्किंग आवर्स कैसा है इस सर्विस के? देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी 2 टाइप की पोस्टिंग्स होती है, एक स्टाफ और एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली आप जब इनिशियल स्टेज में ज्वाइन करते हैं तो आपको एग्जीक्यूशन में डालते हैं, तो एग्जीक्यूशन जो सर्विस होता है वो 24/7/365 बोलते हैं ऐसा, तो उसका कोई मतलब टाइमिंग ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही है, मतलब ऐसा कभी भी आपको मतलब सर्विस के लिए रेडी रहना पड़ेगा 24 घंटे। तो उस टाइम पर जब आप एग्जीक्यूटिव रहते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा फैमिली को टाइम देना दे पाना मतलब वो थोड़ा मुश्किल है, मतलब ऐसे दे सकते हो, मतलब वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मतलब उस टाइम पे थोड़ा इजी नहीं होता है। बट आप अगर स्टाफ पोस्टिंग में हैं तो आपका पर्टिकुलरली मतलब फिक्स रहता है कि ऑफिस आवर्स रहते हैं, तो उस ऑफिस आवर्स में आप मतलब आराम से मतलब अपना फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हैं स्टाफ पोस्टिंग के दौरान। क्या टाइमिंग होता है अभी? टाइमिंग वैसे 8 आवर्स 8 to 9 आवर्स रहता है ऑफिस का टाइमिंग, तो जैसे अभी मुंबई में हमारा टाइमिंग है 9 to 5, बट वो प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है, पर अराउंड 9 to 10 से लेके आप 5 से 6 बजे तक के बीच में सारे ऑफिस स्टाफ पोस्टिंग में होता है।
तो सर आपको जैसे गवर्नमेंट हॉलीडेज मिलते होंगे, वीकेंड्स, सैटरडे संडे से छुट्टी रहता है क्या? नहीं, हमारा जो है सैटरडे मतलब संडे छुट्टी रहता है, एंड सैटरडे एंड वेनसडे हाफ डे रहता है। तो मतलब 40 आवर्स पर वीक हमारा मतलब मिनिमम वर्किंग रिक्वायरमेंट है। एज जैसे अभी गवर्नमेंट हॉलीडेज हैं और प्लस ये जो आप बोल रहे थे बैठने के सैटरडे, हाँ, तो ऐसा है कि गवर्नमेंट हॉलीडेज और ये पकड़ कर आप मतलब ऐसे कुछ प्लानिंग कर सकते हैं छुट्टी का, क्योंकि ऐसा इतना फ्रीडम है? देखिए वो भी मतलब डिपेंड करता है कि कितना वर्कलोड है, कौन सा किस टाइम पे है, जो सीजन मतलब अगर हमारा ज़्यादा प्रेशर है तो आप मतलब ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे, मतलब अपना प्लान करने नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, अच्छा ही है, मतलब ऐसा कर सकते हैं प्लान। हाँ, बस आपको अपना जैसे अभी तो मतलब जैसे आप स्टाफ में हैं तो ईजिली मतलब ज़्यादा टाइम मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता है इतना, आपको ईजिली प्लान कर सकते हैं हॉलीडे। बट जैसे आप एग्जीक्यूटिव में जाते हैं तो आपको हॉलीडे प्लान करने के पहले आपको सोचना पड़ता है काफ़ी, अपने नीचे का जो अपना जो पूरा काम है वो थोड़ा मतलब करके जाना होता है, और आप जब छुट्टी पर रहेंगे तो आपको अपना काम कर मतलब देखने के लिए एक ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट भी करके जाना होता है। तो वो ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट करके जाने में नुकसान ये है कि आपको थोड़ा मतलब क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी पर वो काम कोई और करेगा, तो वो आपको छुट्टी से आने के बाद उसको मॉनिटर भी करना होता है, तो वो काफ़ी लंबा अगर छुट्टी आप प्लान करेंगे तो वो मतलब आपके लिए बर्डन बन जाएगा बाद में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक सर, आपका इस सर्विस में मतलब क्या क्या लोकेशंस पे ट्रांसफर होता है? ऐसा फिक्स होता है कि चार पांच जगह पे होता है या ऑल ओवर इंडिया मतलब कहीं पे भी होता है, या ऐसा भी है कि सिर्फ आर्मी में होगा या नेवी एयरफोर्स सभी में होता है? ओके, देखिए हमारी सर्विस में है जो जहाँ जहाँ भी जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स जहाँ पे भी प्रेजेंट है पूरी ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि हम जो है उनको फैसिलिटीज़ मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको, उनका कॉलोनीज वगैरह जो भी मेंटेनेंस करते हैं, तो हमारा जहाँ भी उनका बेस होता है जहाँ भी उनकी यूनिट्स होती हैं वहाँ पे हमारी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर द इंडिया टोटल। और ऐसा जैसे आपने पूछा कि 5-6 लोकेशंस फिक्स है क्या, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, जैसे बस जो ट्रेंड चल रहा है तो आपको जो फर्स्ट पोस्टिंग मिलता है मतलब जैसे आप ज्वाइन करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो वो मतलब ट्राई करते हैं कि आपको अपना होम स्टेट का चीफ इंजीनियर जोन मिले, इनिशियल वाला जो फर्स्ट में चीफ इंजीनियर जोन मिलता है, उसके बाद मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऑल ओवर द इंडिया के स्ट्रेच में कहीं पे भी भेज सकते हैं, मतलब ले हमारा जो हार्ड पोस्टिंग्स भी होता है उसमें नॉर्थ मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में लेह वगैरह भी हमारा है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, अंडमान में भी है, तो हमारा ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी हो सकता है। हमारी पोस्टिंग की ड्यूरेशन अराउंड 2.5 इयर्स टू 3 इयर्स होती है एक जगह पे, तो जैसे आपकी अगर 30 या 35 साल की सर्विस है तो आप इंडिया में 12 से 13 जगह मतलब आराम से घूम लेंगे अगर आपको घूमने का शौक है तो। आपका इस सर्विस में मतलब क्या क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि सर्विस में आने से पहले एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए? चैलेंजेस में मैं मतलब आपको बताना चाहूँगा कि हम IDSE में एग्जीक्यूशन का होता है बेसिकली काम, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स से काम करवाना और अपने सीनियर्स से भी मतलब रिलेशन ख़राब नहीं करना, अच्छा कर रखना है, तो वो बेसिकली ये मतलब सबसे बड़ा चैलेंज होता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि हमारे मतलब IDSE मतलब इसमें जो गैरिसन इंजीनियर जो ऑफिस रहते हैं उनके नीचे आपका मतलब एक इंडस्ट्रियल स्टाफ्स भी होता है, तो उनको भी मतलब आपको उनसे भी काम करवाना है, मतलब उनसे बना के रखना है और काम भी करवाना है, तो ये मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके बाद टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली आपको प्लान करना है और जो लेटेस्ट आपको मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल में जो लेटेस्ट आ रहा है LEDs वगैरह का जो भी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो बेसिकली क्या है कि जो पुराना चला आ रहा है उसमें तो वो चला ही आ रहा है जो पुराना चला आ रहा है, तो उसमें आपको कुछ नया ऐड करना होता है तो आपको काफ़ी एफर्ट्स अपने लगाने पड़ते हैं। अगर किसी को आगे जाके जैसे MTech या PhD करना है तो उसके लिए इस सर्विस में क्या क्या आगे प्रोविजन्स हैं? हाँ, MTech का यहाँ पे प्रोविजन है, आप मतलब 5 इयर्स का मिनिमम आपने सर्विस किया हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इसमें MES में, तो आपको मतलब आप MTech करने के लिए मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से एलिजिबल हो जाते हो और आपको डिपार्टमेंट का फैसिलिटी सारा मिलता है, जो कि सैलरी जो रहता है वो आपको मिलता है,
आपको मतलब खुद से मतलब गेट का जैसे प्रिपेयर करके आप IITs में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें भी MES की सीटें होती, मतलब सीट्स होती हैं, हाँ तो उसमें आप जा सकते हैं और उसमें, बट उसके बाद आपको मतलब जब आप जाते हैं MTech करने के लिए तो आपको एक सर्विस बॉन्ड टाइप का एक साइन करना होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि अगर उसके बाद आपको मिनिमम 5 ईयर्स हमारी हमको सर्विस करना पड़ेगा। तो ये MTech का स्कोप है यहाँ पर। तो ये जो भी स्टडी है ये पेड होता है? ये पेड स्टडीज होता है, यस। yes. फिर डेपुटेशन का हम सुनते हैं, डेपुटेशन इस सर्विस में कहाँ कहाँ होता है? देखो डेपुटेशन के लिए मतलब मिनिमम ईयर्स ऑफ सर्विस जो रिक्वायरमेंट है, जो कि वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कि मतलब PSUs में भी डेपुटेशन पे जाते हैं। बेसिकली तो सिविल इंजीनियरिंग साइड वाले जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादातर कई लोग जो जाते हैं हमारे सीनियर्स को जो मैंने देखा है वो NHAI में जाते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा बाकी अदर कंपनीज में भी मतलब अदर PSUs में भी मतलब जिनको है तो जा सकते हैं, जैसे DMRC में इलेक्ट्रिकल वाले एंड सिविल वाले मैकेनिकल वाले तीनों ही मतलब DMRC में डेपुटेशन पे जा सकते हैं एज ए मतलब DGM और इस टाइप से पोस्ट पे। तो वो सर्विस में मिनिमम नंबर ईयर ऑफ सर्विस पे रिक्वायर्ड है आपका डेपुटेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करते हैं, उनका टारगेट वही होता है जी। तो इस सर्विस में आने के बाद क्या उनको इतना टाइम मिल जाएगा कि वो सिविल सर्विस का प्रिपेयर कर पाए? आपको जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो आपको ट्राई करते हैं कि आपको होम जोन में मिले, और वो अच्छी सिटीज़ में होती है, बड़ी सिटीज़ में होती है, जोन्स तो बड़े सिटीज़ जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं जहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम मतलब मटेरियल मिल जाता है इजीली। और जो चीफ ऑफिस होता है इनिशियल में आपके पास ज़्यादा काम बर्डन नहीं होता है काम का इतना, क्योंकि आप लर्निंग फेज़ में होते हैं तो आपको मतलब सीनियर्स भी कुछ ज़्यादा ऐसे प्रेशर वगैरह का कुछ बोलते नहीं हैं, तो उसमें आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको सिविल सर्विसेज का करना है तो आप अराउंड ज्वाइन करने के 6 to 7 or 8 months तक आप एकदम मतलब फ्री मूव से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारा 40 वीक्स का ट्रेनिंग वो अप्रूव किया गया है, तो आपको पता है ट्रेनिंग थोड़ा लाइट फेज होता है, तो उस फेज़ में भी आप मतलब पढ़ाई कर सकते हैं अगर सिविल सर्विसेज के लिए एस्पायरेंट्स है तो। आप मतलब इतना ड्यूरेशन आई थिंक काफ़ी होता है, बट आफ्टर दैट जब आपका एग्जीक्यूटिव ज्वाइनिंग आ जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है ज्वाइन मतलब करना। आपके सर्विस के मतलब क्या क्या प्रोज और कॉन्स आप बताना चाहेंगे एस्पायरेंट्स के लिए, ताकि वो मतलब अपना जो भी उनका प्रेफरेंस होगा DF के टाइम पे उसमें अच्छे से वो सोच समझ के भर सकें उसको? तो ये प्रोज में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डिफेंस में अगर आप हैं, वैसे बेसिकली आप डिफेंस सिविलियन कहलाते हैं यहाँ पे आके, बट सारी जो लगभग फैसिलिटीज़ होती है वो डिफेंस पर्सनल्स के बराबर ही आपको मतलब मिलती है एज ए ऑफिसर, तो काफ़ी रेस्पेक्ट भी है एंड काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं। आपको कैंटोनमेंट एरिया मिलता है रहने के लिए, तो मतलब वन ऑफ द पोश इलाका रहता है अपने उसका शहर का, तो वो एक अच्छा फैसिलिटी है। इसके अलावा आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलता है, CSD बोलते हैं जिसको, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, तो वो एक फ़ायदा होता है जिसमें ग्रोसरीज एंड ऑल आइटम्स आपको मिलता है, उसमें डिस्काउंट मिलता है, टैक्स भी। आप जैसे अगर खेलने कूदने के शौक रखते हैं तो मतलब यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है मतलब इसमें डिफेंस में काम करने के लिए। और इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है बेसिकली, आप अगर एक सर्विस पर्सनल्स के साथ रहेंगे, उनके साथ डेली आपका काम रहेगा उसका, तो उसमें काफ़ी मतलब आपको वो रहता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपका बोलने व्यवहार तरीका एंड ये सब सारा एटीट्यूड वगैरह का काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहता है आपका यहाँ पे प्रोज में। कॉन्स में मैं आपको बताऊँगा तो देखिए जैसे कई लोग, जैसे मैंने कई अपने सीनियर से भी बात की है, तो वो जो उनको कॉन्स लगता है जो कि वो स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे थोड़ा मतलब, क्योंकि 2.5 years to 3 years में आपको अपना ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो इसके लिए आप मतलब टाइम काफ़ी मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसके मतलब आप सेटलमेंट नहीं हो पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है आपको इतना सेटल होने के लिए। और अभी जैसे आप अगर बैचलर्स हैं तो बैचलर्स में तो फिर भी ठीक है, 3 to 2.5 years to 3 years में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आफ्टर फैमिली और जब हो जाता है तो जो अपने उनके बच्चों के लिए जो एजुकेशन वगैरह का है वो काफ़ी थोड़ा मतलब एक थोड़ा हैक्टिक सा चीज़ होता है, तो ये एक कौन है इसमें। बट जो लोगों को कई लोगों को मतलब जैसे शौक रहता है नई नई जगह देखने का, तो उनके लिए अच्छा है,
बट ज़्यादातर लोगों को मतलब एक एज के बाद ये बार बार चेंज करना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो वो डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये एक है। इसके बाद इसका एक प्रो और मैं ये बताना चाहूँगा आपको अदर सर्विसेज में जो आपको नहीं मिलेगा, कि जैसे कि अदर सर्विस रेलवेज हो गया एंड अदर CPWD वगैरह में, जहाँ तक मेरे को मतलब इतना पता है कि थोड़ा मतलब आउटसाइड प्रेशर रहता है, थोड़ा मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और सब कुछ का, IES वगैरह इसका मतलब जो सिविल लॉबी होती है सिविल की, उसका काफ़ी प्रेशर रहता है अदर सर्विसेज में। बट आप अगर IDSE वगैरह डिफेंस सर्विसेज मतलब MES में काम कर रहे हैं तो ये आपका मतलब ये प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहता है, मतलब बिल्कुल आप मतलब फ्री थोड़ा काम कर सकते हैं, प्रेशर आपके ऊपर इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। बट जैसे आपके यूज़र्स होते हैं तो उनका थोड़ा टाइम बाउंड का रहता है सीन, तो मतलब कि आपको टाइमली मेंटेनेंस और एग्जीक्यूशन करवाना है। तो यूज़र्स, हाँ यूज़र्स मतलब हमारा डिफेंस सर्विसेज होता है, डिफेंस सर्विसेज में आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है हम बेसिकली DRDO, ये चार हमारे यूज़र्स हैं, इनके बेस को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरव्यू से पहले एस्पिरेंट्स को जिनका भी मेंस क्लियर हो गया होता है तो उनको इंटरव्यू से पहले DA फॉर्म भरना पड़ता है। यस। तो उसमें प्रेफरेंसेस होती हैं कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज, मतलब एक नंबरिंग देनी होती है जी, तो वो एस्पिरेंट्स को क्या सोच के वो प्रेफरेंस भरना चाहिए? बिल्कुल, देखिए धीरज जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि मतलब एस्पायरेंट जो होते हैं मतलब सब लोग उनको गाइड करते हैं, बट बेसिकली जो वो करते हैं वो जो पीछे से चला आ रहा है वही वो लगभग फॉलो करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो फॉलो करने के बजाय आप मतलब क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ज़्यादातर लोग रेलवेज भरते हैं सबसे फर्स्ट चॉइस पर। तो रेलवेज़ का काम जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, तो मतलब जो इनिशियल स्टेज पे है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, एंड अगर आपकी रैंक थोड़ी कम है मतलब सिलेक्शन जस्ट रेलवेज में हुआ ही है तो आपको जोनल अलॉटमेंट में भी काफ़ी मतलब उसमें दिक्कत हो सकती है आपको, मतलब अपने हो सकता है कि नॉर्थ, ज़्यादातर लोग नॉर्थ से होते हैं तो मतलब उनको हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इस टाइप का कैडर मिल जाए, तो जोन मिल जाए, तो फिर वो काफ़ी मतलब वो हेक्टिक हो जाता है उनके लिए, वो परेशान हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ होती है। तो अंधों की तरह रेलवेज बनने से पहले आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि आप लोकेशन को मतलब आपके लिए कितना बड़ा फैक्टर है। अगर लोकेशन आपके लिए बड़ा फैक्टर है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा रेलवेज या फिर जिसमें भी लोकेशन का प्रॉब्लम रहता है उस सर्विसेज को मतलब थोड़ा लोकेशन में आपका भी सर्विस, हाँ मेरा भी सर्विस लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया लोकेशन का रहता है। तो अगर आपको कंस्ट्रेन है कि आपको मतलब बड़ी सिटीज़ में ही रहना है, आप छोटी सिटीज़ में नहीं रह सकते हैं, तो ये एक क्राइटेरिया है कि लोकेशन क्राइटेरिया। दूसरा है आपको कितना मतलब किस टाइप का आपको जॉब अच्छा लगता है, आपको ऐसा जॉब चाहिए जिसमें आपके नीचे 400 लोग रहें, या फिर आपको ऐसा जॉब चाहिए जिसमें आपको प्रेशर कम रहे बट आप अपना इंडिविजुअल काम करें और बस खुश रहें। तो इस हिसाब से ये एक दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको किस टाइप का जॉब का पसंद होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, यस। तो जैसे रेलवेज एंड हमारी सर्विसेज में भी है तो उसमें काफ़ी सारे लोग आपके अंडर में रहते हैं, बट उसमें एक चैलेंज हुआ कि आपको उनसे काम भी करवाना है और बिगाड़ना भी नहीं है। तो ये वाला एक क्राइटेरिया है। बाकी कई सर्विसेज है जैसे कि हमारे ही इसमें MES में QSNC कैडर है और बाकी रेलवे स्टोर्स वगैरह का जहाँ तक मेरे को पता है, तो उसमें मतलब इतना वो ये नहीं है मतलब, बट आप अपना काम करो और मतलब खुश रहो, तो ऐसा वाला भी सीन है। तो जो आप ये जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का जॉब ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं, तो ये दो क्राइटेरिया हैं। जैसे कि अभी अंकित जी ने आपको बताया कि जो भी आपका प्रेफरेंस होगा उसको थोड़ा सा आपके हिसाब से देखिए, मतलब लोकेशन किसी का क्राइटेरिया हो सकता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको आपको अपने हिसाब से देखकर ही वो प्रेफरेंस में भरना चाहिए। तो सबका अपना अपना एक अलग चॉइस होना चाहिए, ऐसे सब मिलके सबका एक कॉमन अगर होगा तो ऐसा हो सकता है कि आप आगे जाके पछताएं वो सर्विस लेने के बाद। अगर आपको अंकित जी से और कोई भी क्वेश्चंस इसके अलावा, ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में हम पूछना भूल गए हों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो हम अभी आगे नेवल आर्मामेंट BRO और ऑर्डनेंस फैक्ट्री के आगे बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू।